घरेलू बाजार आज लगभग सपाट बंद हुए। बाजार पर विश्लेषकों का नजरिया, केंद्रीय बजट से पहले निवेशक सतर्क थे और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले इंतजार करना और देखना पसंद कर रहे थे। बजट अनुकूल होने की संभावना है, लेकिन निवेशक उच्च मूल्यांकन और आय वृद्धि में संभावित गिरावट को लेकर चिंतित हैं। रुपया पिछले बंद स्तर 83.66 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ। TCS ने रोल्स रॉयस के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। रोसारी बायोटेक का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 19.44% बढ़ा, बिक्री 19.25% बढ़ी। विंट इंडिया का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 14.86% घटा, बिक्री 4.68% घटी। वरुण बेवरेजेज ने कांगो की किंशासा यूनिट में अपनी उत्पादन सुविधा में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 26.83% बढ़ा, बिक्री 11.31% बढ़ी। साइंट DLM का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 97.76% बढ़ा, बिक्री 18.76% बढ़ी। डोडला डेयरी का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 85.93% बढ़ा, बिक्री 10.71% बढ़ी। ग्रीनलम इंडस्ट्रीज का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 38.76% घटा, बिक्री 17.36% बढ़ी। सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज ने जून 2024 तिमाही में 13.46 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि जून 2023 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान 19.55 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था, बिक्री 3.17% बढ़ी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने जून 2024 तिमाही में 9.32 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि जून 2023 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान 8.55 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ, बिक्री 9.80% बढ़ी। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रेल मंत्रालय से 186.81 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने मर्लिनहॉक एरोस्पेस और केलेट्रॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोल इंडिया मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में खट्टाली चोटी ग्रेफाइट ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता बनकर उभरी है। ऑयल इंडिया ने डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। पौंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 216.10% बढ़ा, बिक्री 36.83% बढ़ी। इजी ट्रिप प्लानर्स ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपना नया कार्यालय खोला है। यूको बैंक का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 146.88% बढ़ा, कुल आय 15.32% बढ़ी। इंडियन ओवरसीज बैंक का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 28.69% बढ़ा, कुल आय 20.48% बढ़ी। पॉली मेडिक्योर का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 18.09% बढ़ा, बिक्री 19.93% बढ़ी। सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी को सिनर्जिया एनर्जी से सूचना मिली है कि सिनर्जिया एनर्जी को कैम्बे फीड PSC में 51% PI को सेलन में ट्रांसफर करने की मंजूरी मिल गई है। IDBI बैंक का शुद्ध लाभ जून 2024 तिमाही में 41.09% बढ़ा, कुल आय 2.82% घट गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 10 शेयर्स।